जय श्री कृष्ण। बुद्ध सत्संग के दरवाजे सभी के लिए खुले थे। हजारों लोग वहां बुद्ध का शिष्य बनने के लिए आते थे। उनमें से कुछ व्यक्तियों को वह अपने संघ में सीधे सम्मिलित कर लेते थे तथा कुछ व्यक्तियों को वह एक दिन और एक रात के लिए शमशान में जाने को कहते थे। उसके बाद वह उन्हें अपने संघ में सम्मिलित कर लेते थे। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के शिष्य बनने की चाह में बुद्ध के पास आया। वह बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, कृपा कर आप मुझे अपने संघ में सम्मिलित कर ले। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम संघ में सम्मिलित हो सकते हो, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें एक दिन और एक रात शमशान में गुजारनी होगी और वहाँ तुम्हें जो भी दिखाई दे वह आकर मुझे बताना। इसके बाद ही तुम संघ में सम्मिलित हो पाओगे। वह व्यक्ति घबराया और बुद्ध से बोला, यह आप क्या बात कर रहे हैं? दिन तो ठीक है, लेकिन रात के समय शमशान में, यह तो खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, रात को क्या खतरा है? वह व्यक्ति बोला, शमशान में भूत प्रेत होंगे, वह मुझे पकड़ लेंगे। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? वह व्यक्ति बोला, नहीं बुद्ध, मैंने भूत प्रेत नहीं देखे हैं, लेकिन सभी लोग इसके बारे में बातें करते हैं। कुछ लोगों ने देखा है और मैंने भी ऐसे लोगों को देखा है जिनके अंदर भूत प्रेत आ जाते हैं तो वह अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। बुद्ध ने कहा, यह तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर है। अब तुम ये जान पाओगे कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। अगर वे होते हैं और तुम्हें मिल जाएं, तो तुम उनका विश्लेषण करना और देखना कि वे कैसे होते हैं। घबराना मत, और अगर नहीं होते हैं तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और तुम ये जान पाओगे कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। ध्यान रखना, वहाँ जो भी घटनाएं घटे वह तुम मुझे आकर बताओगे। वह व्यक्ति बोला, ठीक है बुद्ध, आप कहते हैं तो वहाँ मैं एक दिन और एक रात जरूर गुजार लूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम आश्रम में आराम करो और सुबह होते ही शमशान के लिए निकल जाना। वह व्यक्ति आश्रम में चला गया। बुद्ध ने अपने दूसरे चार शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा, देखो, यह व्यक्ति कल सुबह शमशान जाएगा, यह एक दिन और एक रात शमशान में रुकेगा, तुम इसका वहाँ पर ध्यान रखना, लेकिन उसको पता ना चले। सुबह उठकर वह व्यक्ति बुद्ध के सामने होकर बोला, बुद्ध, मैं आपके आदेशानुसार शमशान जा रहा हूँ। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वह व्यक्ति शमशान गया और अगले दिन सुबह वह बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ। बुद्ध ने उस व्यक्ति को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो तुमने क्या देखा? वह व्यक्ति बोला, जब मैं वहाँ सुबह सुबह गया, मैंने देखा कि कुछ लोग एक अर्थी को कंधा देकर ला रहे हैं। वह एक बुजुर्ग की अर्थी थी। वह सभी लोग सामान्य थे और ज्यादातर लोग खुश थे। वह सभी आपस में कह रहे थे कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत ही अच्छे कर्म किए और अपने जीवन में सभी कुछ देख लिया। वह व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली है। उस बुजुर्ग के पुत्र ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी। वह कुछ देर वहाँ रहा। उसके बाद सभी लोग एक एक करके वहाँ से चले गए। इसके बाद दो अर्थियाँ और वहाँ आई। एक अर्थी किसी अमीर आदमी की थी, वह बड़ी सजी धजी अर्थी थी, और दूसरी किसी गरीब व्यक्ति की थी। उस गरीब व्यक्ति की अर्थी में 4 से 5 लोग थे, जबकि उस अमीर व्यक्ति की अर्थी में सैकड़ों लोग थे। उस अमीर आदमी की चिता चंदन की लकड़ियों से सजाई गई थी, जबकि उस गरीब आदमी की चिता आम सूखी लकड़ियों से सजी थी। उन्होंने उस गरीब व्यक्ति की अर्थी को बाहर ही रोक दिया। उन्होंने कहा कि पहले वो उस अमीर आदमी का क्रियाक्रम करेंगे और उसके बाद ही उस गरीब व्यक्ति की अर्थी का क्रियाक्रम होगा। पहले उस अमीर आदमी की चिता को उसके पिता ने अग्नि दी और उसके बाद उस गरीब व्यक्ति की चिता को अग्नि दी गई। उसके बाद चिता की अग्नि प्रज्वलित हो गई और धीरे धीरे सभी व्यक्ति वहाँ से चले गए। मैं वहाँ दोनों अर्थियाँ देखता रहा। बुद्ध ने कहा, दोनों की चिताओं में अग्नि लगने के बाद क्या भेद था? वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, दोनों की चिताओं में अग्नि एक समान थी। दोनों के शरीर उस अग्नि में एक समान जल रहे थे और धीरे धीरे दोनों चिताओं की अग्नि शांत हो गई। अंतिम रूप से जो बचा वह भी एक जैसा ही था। उन दोनों में कोई भेद नहीं था। हे बुद्ध, इसके बाद एक युवा स्त्री की अर्थी आई। उसके पीछे कुछ लोग थे। उनमें से कुछ लोग बहुत ही दुखी थे और बहुत ही पीड़ा में थे। कुछ लोग उस स्त्री के पति को बार बार सांत्वना भी दे रहे थे। हे बुद्ध, मैंने वहाँ एक अजीब बात देखी। पूरे दिन में जितने भी लोग वहाँ पर आए थे सभी महाज्ञानी थे। सभी ज्ञान की बातें कर रहे थे।
सभी कहते थे कि यह तो एक दिन होना ही है, यह तो सभी के साथ होता है, एक दिन सभी को यहाँ आना ही पड़ेगा। जीवन दयालुता और परोपकार से जीना चाहिए, हमें किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। पूरा जीवन धन के पीछे दौड़ दौड़ कर कुछ नहीं होता, अंतिम रूप से हम सभी को शमशान जाना होता है। इसके बाद वहाँ पर कोई नहीं आया और धीरे धीरे रात होती चली गई और सुबह होने पर मैं आपके पास आया। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें वहाँ पर कोई भूत प्रेत मिले? वह व्यक्ति बोला, नहीं बुद्ध, मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला। पूरी रात मैं अपनी ही आहट से डरता रहा, पत्तों की आवाजों से डरता रहा, जानवरों की आवाजों से डरता रहा, लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भी भूत या प्रेत नजर नहीं आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम आश्रम में विश्राम करो और कल सुबह फिर से शमशान जाना। तुम कल फिर एक दिन और एक रात शमशान में रुकोगे। वह व्यक्ति बोला, बुद्ध आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपके कहे अनुसार मैं एक दिन और एक रात शमशान में रुका। रात मैंने कैसे निकाली ये मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा उस शमशान में नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, देखो, एक खास चीज जो तुम्हें वहाँ पर मिलनी थी वह अभी नहीं मिली है। अगर तुम एक बार और वहाँ जाओगे तो तुम्हें वह खास चीज वहाँ दिखाई देगी जिससे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। वह व्यक्ति बोला, ठीक है बुद्ध, आप कहते हैं तो मैं एक और बार शमशान में जाऊंगा। इसके बाद वह व्यक्ति आश्रम में चला गया और अगले दिन बुद्ध से आशीर्वाद लेकर फिर से शमशान पहुंच गया और फिर वह अगले दिन बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ और बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, अब मुझे बताओ, क्या तुमने वह खास चीज वहाँ पर देखी? तब उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, जैसा आपने कहा था वह चीज मुझे वहाँ पर मिल गई है, मैंने उसे वहाँ देख लिया है। तो बुद्ध ने कहा, बताओ तुमने वहाँ क्या देखा? उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैंने देखा कि शाम के समय कुछ लोग मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं, मेरे पीछे 10-15 लोग चल रहे हैं, मुझे 4 कंधों पर उठाया हुआ है, मुझ पर कुछ फूल फेंके जा रहे हैं, मेरे पिता आगे आगे चल रहे हैं और मेरे कुछ रिश्तेदार पीछे चल रहे हैं। वह लोग बहुत दुखी हैं, मेरे पिता अत्यंत दुखी हैं, मेरा भाई भी बहुत दुखी है। कुछ लोग वहाँ पर बहुत ही शांत थे, वह गांव के लोग हैं, सभी लोग एक सदमे में हैं, उनमें से कुछ लोग खुश हैं लेकिन दुखी होने का ढोंग कर रहे हैं। वह मेरे पिता को सांत्वना दे रहे हैं, मेरा भाई दूर खड़ा दुखी हो रहा है, कुछ लोग उसे सांत्वना दे रहे हैं, कुछ लोग उससे कह रहे हैं कि अब वही मेरे पिता का इकलौता वारिस है। वहीं कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह बहुत ही गलत हुआ, अभी तो यह लड़का जवान था, अभी तो इसने कुछ देखा भी नहीं था और इस बेचारे के साथ ऐसी घटना घट गई। कुछ लोग आपस में कह रहे हैं कि यह तो सभी के साथ होना है। तभी मेरी अर्थी को नीचे उतारा गया, मुझे अर्थी से खोला गया और मेरी चिता पर मुझे लिटाया गया। इसके बाद सारी क्रियाक्रम की क्रियाएं पूरी की गई। मैं उस अर्थी पर पड़ा ये सब देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा, लेकिन मैं उठ ना सका। मैं सांस लेना चाहता था लेकिन मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं एक बार अपने पिता के गले लगना चाहता था लेकिन मैं हिल भी नहीं सकता था। मैं अपने भाई से कुछ बोलना चाहता था, मैं उससे कहना चाहता था कि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ और वह मेरे माता पिता का ख्याल रखे, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरे पास देखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। धीरे धीरे उन्होंने मेरे पूरे शरीर को लकड़ियों से ढक दिया और फिर मेरे चेहरे को भी ढक दिया। अब मुझे उस चादर के पार कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर मुझे कुछ गर्मी महसूस होने लगी और मैंने देखा कि धीरे धीरे मेरा सारा शरीर अग्नि में जल रहा है। मेरे हाथ जल रहे हैं, मेरे पैर जल रहे हैं, मेरी खाल जल रही है, मेरी हड्डियाँ भी जलने लगी हैं और अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित होने लगी। मैं उस भयंकर अग्नि से एक बार बाहर निकलना चाहता था, मेरा वहाँ दम घुट रहा था, मैं एक बार सांस लेना चाहता था लेकिन मैं नहीं ले पा रहा था और मैं उस अग्नि में कहीं खो गया। पूरी रात मैं अपने आप को वहाँ जलते हुए देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप से सिर्फ मेरी राख ही बची है। उस पूरी रात ना तो मुझे डर लगा और ना ही डर का एहसास हुआ। मैं भी ना जाने कहाँ खो गया। रात कब गुजर गई मुझे पता ही नहीं चला और सुबह होने पर मैं आपके पास आया। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, अब तुम संघ में सम्मिलित हो सकते हो।
और वास्तव में ध्यान और ज्ञान के लिए ध्यान का बीज अंदर होना जरूरी है। वह बीज कल रात तुम्हें वहाँ मिला जब तुमने यह जाना कि सब कुछ नश्वर है। इस दुनिया में सभी व्यक्ति शमशान में जाने के बाद यह तो देख लेते हैं कि सभी को एक दिन जाना है, लेकिन जैसे ही वह शमशान से बाहर निकलते हैं सब भूल जाते हैं और फिर से अपनी जिंदगी वैसे ही गुजारते हैं, वैसे ही अधर्म करते हैं, वैसे ही लालच करते हैं और वैसे ही करूरता दिखाते हैं, और जैसे ही शमशान में जाते हैं फिर से धार्मिक हो जाते हैं। पहली बार जब तुम शमशान गए तब तुम उन सभी ज्ञानी व्यक्तियों के जैसे थे जैसे कि वहाँ सभी महाज्ञानी व्यक्ति आते हैं, लेकिन कल रात जब तुम वहाँ गए और उसके बाद आज जब तुम सुबह यहाँ आए हो तब वाकई तुम्हारे अंदर ध्यान का बीज उत्पन्न हो गया है। हम जब तक जीवन को नहीं समझ सकते जब तक कि हम मृत्यु को ना जाने। जो व्यक्ति बीमार है वही स्वास्थ्य को समझ सकता है। जो ध्यान का बीज कल रात तुमने पाया अब उसे तुम्हें वृक्ष बनाना है। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।